Hi everyone, welcome back to my channel Creativity with Sapna. Hope you all are doing great and are safe. So guys, I'm back with another brand new video and aaj ka video hone wala hai winter special makeup look ya dewy and nude glowy makeup look. Winter mein hamara skin kafi dry ho jata hai, lips, scalp, skin sabhi dry ho jate hain, to hamara makeup bhi waisa hi hona chahiye, ekdam glossy and moisturized and glowy makeup look hona chahiye. तो यह आज का वीडियो होने वाला है विंटर में स्पेशल मेकअप लुक. सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद वीडियो. सो गाइस, विंटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने फेस को मॉइस्चराइज करें एंड या बिकॉज आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते जाती है. तो और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा स्किन है एक्ने प्रोन स्किन, तो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. एंड ये है, मैं यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. मैं मिनिमलिस्ट का यूज़ करती हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से सूट होता है मुझे ये प्रोडक्ट. तो इसको अच्छे क्वांटिटी में लगा लूँ बिकॉज विंटर है, विंटर आ गई ऑलमोस्ट एंड काफ़ी मतलब स्किन ड्राई होते हैं. तो आप अच्छे से क्वांटिटी में से लगा लो. क्या तो मैंने अच्छे से पूरा मॉइस्चराइजर फेस पे लगा लिया. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सनस्क्रीन. गाइज, या कितने लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन विंटर में नहीं लगाना चाहिए या नहीं लगाते हैं, बट हम लोगों को सनस्क्रीन नहीं भूलना है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज सन तो विंटर में भी निकलते हैं एंड वो जो सन के रेज होते हैं हमारे स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल है. तो अगर आपके पास SPF 50 का है तो वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है. तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी. तो हो सकता है थोड़ा कम अमाउंट में लगाओ, बट सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सनस्क्रीन को भी मैं लगा लूँगी. अच्छी खासी अमाउंट मैं इसको लगा रही हूँ एंड हमेशा हम लोग नेक को भूल जाते हैं, तो नेक को भी स्किप ना करें, नेक को भी हमेशा लगा लें. इसको तब तक मसाज करें जब तक ये पूरे अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए. नाउ मैं यूज़ करने वाली हूँ लिप बाम. बेबी चक्रा का भी टिंटेड लिप बाम है एंड काफ़ी सही है. या काफ़ी देख सकते कलर कितनी अच्छी इसकी आई है. वाह, काफ़ी आपके लिप को मॉइस्चराइज कर देती हैं. आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप ऐसे भी रह सकते हैं, अपना मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन वगैरह लगाकर आप लिप बाम वगैरह लगा के घर पे भी रह सकते हैं एंड सनस्क्रीन स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आप घर पे हैं. तो ऐसे काफ़ी हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी. नाउ आप इसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं. नाउ माय स्किन इज मेकअप रेडी. तो मैं अपना मेकअप प्राइमर से स्टार्ट करूँगी. तो गाइज, मैं यहाँ पर माइग्लैम का टिंटेड परफेक्शन बनाना प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. थोड़ा टिंटेड शेड में है तो या थोड़ा सा ही लगाऊंगी. एंड प्राइमर आपको बस टी जोन पे ही लगाने से हो जाता है, तो यहाँ स्पेशली मैं टी जोन्स पे लगाऊंगी. प्राइमर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ कर देती है. इसके आप इसके ऊपर आप कुछ भी लगाओ, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाओ, ये काफ़ी अच्छा एक कैनवस आपको मिल जाता है कि आप इसके ऊपर फाउंडेशन वगैरह ओवरऑल मेकअप करो तो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन में ग्लाइड होगी. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्राइमर लगा. उसके बाद मैं सीधा फाउंडेशन लगाऊंगी एंड ये लगाऊंगी लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन. गाइज, ये वाला फाउंडेशन मैं इसलिए लगा रही हूँ, मीडियम कवरेज देती है. एंड गाइज, ये लगाने से क्या होता है कि विंटर में आपके फाउंडेशन उतने जल्दी जाते नहीं है. मीडियम कवरेज या लाइट कवरेज फाउंडेशन भी लगाओगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्ट करती है विंटर में मेकअप, तो इसलिए ये मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है. तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपने फेस पे. तो पहले डॉट डॉट करके लगा लूँगी बिकॉज ऐसे कम प्रोडक्ट लगते हैं आपकी स्किन पे. मेकअप फिक्सर लगा लूँगी. यहाँ मेरा फेस वेट हो गया ताकि ये स्पॉन्ज यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो. या मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर को भी हल्का वेट कर दिया है. वैसे से आप चाहते कि फाउंडेशन ब्लेंड हो तो इसको मैं फिक्सर लगा दी हूँ अप्लाई फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले. वो काफ़ी अच्छे से आपके स्किन में ये अब्जॉर्ब होती है एंड काफ़ी अच्छे से ग्लाइड भी होती है बिकॉज आपने थोड़ा सा अपने फाउंडेशन को वेट कर दिया है. जल्दी मतलब ये अपने स्किन में अब्जॉर्ब हो रही हैं. सो या फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गई. नाउ मैं अपने फेस को कॉन्टर करूँगी. क्रीम कॉन्टर ही कर रही हूँ बिकॉज विंटर है तो अपने फेस को मैं ड्राई होने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करें तो बेटर हो, सही होता है हमारे स्किन के लिए. फटाफट ब्लेंड कर दूँगी. गाइज, मैं क्रीम लिपस्टिक अपने स्किन पे लगाऊंगी. आपको मैंने जैसा बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, पाउडरी थोड़ा सा कम. तो इस कारण क्या होगा कि हमारी स्किन
ड्राई कम लगेगी एंड हम लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि मेकअप की वजह से हमारा स्किन ड्राई हो रहा है, तो इसलिए एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एंड या नाउ मैं अपने आईज़ के अंडर थोड़ा सा कंसील कर लूँगी ये पार्ट, बिकॉज मैं भूल गई थी, तो इसको हल्का सा कंसील कर लूँगी। आपके जो भी पिगमेंटेड ये डार्क एरिया होते हैं ये कवर हो जाएंगे। एंड इसको मैं सेट कर दूँगी सेटिंग पाउडर से, या तो आप देख सकते हैं जो भी ये डार्क एरिया थी कवर हो गए। मेरे आईज़ के नीचे वो डार्क सर्कल उतने हैं नहीं, तो जस्ट थोड़ा ऑब्वियो आई के नीचे थोड़ा आपके फेस से, आपके चिक से, चिन से ये वाला एरिया ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने कवर कर दिया है। एंड इसको मैं पाउडर से सेट कर दूंगी ताकि क्रीज लाइन को भी फॉर्म ना हो। इसको मैं सेट कर लूंगी, थोड़ा मैं फुल फेस पे पाउडर नहीं लगाऊंगी, थोड़े थोड़े इस पार्ट में लगाऊंगी, बिकॉज ऐसी स्किन में ज़्यादा पाउडर ना लगाएं विंटर में, तो बस ये वाले एरिया पे लगाऊंगी जहाँ ऑयल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। टाइम टू सेट माई ब्रोज, तो मैं ब्रोज को भी सेट कर लूंगी। पहले मैं कॉम कर ले रही हूँ इस पुली से, तो या मेरी आईब्रो भी सेट हो गई है। एंड नाउ मैं थोड़ा सा सिंपल ही आई लुक करूँगी, तो या मैं थोड़ा पीच लुक रखूँगी, सिंपल पीच लुक, बिकॉज आई वॉन्ट सम ग्लोई लुक। या क्रीज लाइन में थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर इंटेंसिफाई करूँगी ताकि काफ़ी अच्छा एक शेड आएगा अगर ट्रांजिशन पे आप थोड़ा डीप रहो। गाइज इनर में लेड पे लगाने के लिए मनीष मल्होत्रा का ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। दिस आई शेडो पैलेट नेम इज़ रेंडेवूज, या ये मेरा फेवरेट वन ऑफ द आई शेडो पैलेट है। एंड ये थोड़ा सा कॉपर शेड में यूज़ करूँगी अपने आई लिड पर, जस्ट सी द, ये मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो आई शेडो मैंने लगा लिया है, जस्ट आई लाइनर मुझे लगाना है और काजल, तो मेरा आई लुक कम्प्लीट हो जाएगा। मस्कारा से मैं आई लुक कम्प्लीट करूँगी, के नीचे मैं थोड़ा सा काजल लगा लूँगी बिकॉज, एंड इसको थोड़ा स्मोक आउट कर दूंगी तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर लिप, तो पहले मैं लिप लाइनर लगाऊंगी। एंड लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूंगी ये एकदम नूड शेड में ये लिपस्टिक है, एंड आई विल गो फॉर नूड। एंड ये क्रीम में है, सो विंटर में क्रीम लिपस्टिक बेटर होता है लगाना, तो यहाँ मैंने नूड शेड में क्रीम लिपस्टिक अप्लाई किया है। गाइज एट द एंड आई विल बी एडिंग सम हाइलाइटर कि आपकी स्किन एकदम ग्लो करे ये विंटर। सो गाइज यहाँ पे हमारा मेकअप लुक कंप्लीट होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मेकअप काफ़ी प्रिटी लग रही है ना, एंड फेस भी काफ़ी, स्किन भी हमारा काफ़ी ग्लो कर रहा है एंड काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं, परफेक्ट फॉर आवर विंटर सीजन। एंड गाइज मैं आपको इसका एकदम क्लोज लुक भी दिखा दूँ, हम लोग काफ़ी मेरी स्किन ग्लोई लग रही है। सो गाइज अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सो होप गाइज आपको आज का मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज योर वन कमेंट मोटिवेट मी अ लॉट एंड हेल्प मी टू डू बेटर। सो गाइज ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई हैव मेंशन माय इंस्टाग्राम आईडी ऑन स्क्रीन, सो डू फॉलो मी देयर। सो गाइज आई विल बी सून बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।